हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वुकिर एरिया बैंक ऑफ ट्राई की। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने ख़त्म किया एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। आज इसका नंबर आ गया वुकिर एरिया बैंक ऑफ ट्राई। चलिए शुरू करते हैं वुकिर एरिया। देखिए, वुकिर एरिया जो है हमारा, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसके जो पहले हमने एस्केरिस पढ़ा वो क्या था, वो मोनोजेनेटिक था। ये डाइजेनेटिक है, मतलब इसमें दो तरह के होस्ट पाए जाएंगे। देखिए, पहला क्या है, ये क्या है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ये क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। देखिए, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसमें जो प्राइमरी जो होस्ट होगा, इसका जो प्राइमरी होस्ट कौन होगा हमारा, ह्यूमन। ये ह्यूमन में कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारे लिम्फ नोड और लिम्फ नोड और कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स में पाया जाएगा। और जिसका जैसे सेकेंडरी होस्ट, जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट या इसका जो वेक्टर होगा वो कौन होगा, जो इसका वेक्टर है वो कौन है, वो क्या है, क्यूलेक्स। वो क्यूलेक्स कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब देखिए, ये जो है, ये फीमेल और मेल, ये दोनों क्या करते हैं, जो बैंक ऑफ ट्राई के जो फीमेल और मेल दोनों क्या करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब मेल तो कुछ होता है, कुछ छोटा होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर, और जो फीमेल होती है उसकी लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। क्या करते हैं ये लोग, देखिए, जो मेल होगा स्मॉलर होगा, वो उसकी लेंथ कितनी होगी, लगभग 4 सेंटीमीटर, और जो फीमेल होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, लगभग 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर, ये फीमेल और मेल की यहाँ पे पिक्चर अलग अलग, जो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, सिंपल माउथ पाया जाए, कोई सकर जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। ये है इसका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मेल एंड फीमेल, वुकिर एरिया बैंक ऑफ ट्राई। अब देखिए, जब इनमें कॉपुलेशन होता है, मेल और फीमेल, कहाँ होगा कॉपुलेशन, जहाँ दोनों पाए जाएंगे, कहाँ पे, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स में जो कॉपुलेशन होता है, तो ये जो फीमेल होती है ये प्रोड्यूस करती है क्या, ये प्रोड्यूस करती है फर्स्ट स्टेज जुविनाइल, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोफाइलेरी। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज जुविनाइल, क्या कहते हैं इसको, माइक्रो फाइलेरी। एग्जाम में पूछा गया है, माइक्रोफाइलेरी इसको बोलते हैं। देखिए, माइक्रोफाइलेरी की पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये है हमारा माइक्रोफाइलेरी। इसके ऊपर देखिए क्या पाया जा रही है, क्यूटिकल की शीत पाई जा रही है। ये क्या करेगी, जब ये मॉस्किटो के अंदर जाएगा तो ये जो शीत होगी ये लूज कर देगा, ये शीत से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, इसमें रेनेट सेल, हमने बात किया था कि एक्सक्रीशन जब होता है तो इसमें रेनेट सेल्स पाए जाते हैं, इसके रेनेट सेल्स में पाए जा रहे हैं। और देखिए, इसमें एनस के पहले 4 लार्ज सेल पाए जाते हैं, उसके बाद ये क्या है, एनस पाया जाता है। देखिए, इसकी पिक्चर है ये, इसकी देखिए रियल पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है, वुकिर एरिया बैंक ऑफ टाई। चलिए, अब देखिए, जो ये माइक्रोफाइलेरी है इसमें एक स्पेशल करेक्टर होता है, इसमें डाई अर्नल रिदम शो होता है। क्या होता है, डाई अर्नल रिदम। ये डाई अर्नल रिदम क्या होता है, देखिए, जब डे होता है, जब डे के समय, दिन के समय क्या करते हैं, ये जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं ये स्टे कहाँ किए होते हैं, ये स्टे करे रहते हैं जो डीपर हमारी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर ये पड़े रहते हैं। पर जैसे ही नाइट आती है, ये नाइट में कहाँ चले जाते हैं, जो हमारी पेरीफेरल वेसल्स है, जो पेरीफेरल ब्लड वेसल्स है और जो आउटर वेसल्स है, उसमें ये माइग्रेट करके चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो मॉस्किटो होता है उसी टाइम एक्टिवेट होता है, कहाँ पे, रात के टाइम में एक्टिवेट रहता है, वो एक्टिव रहता है। और क्या होता है, और जब वो मॉस्किटो शक करेगा तो इस माइक्रोफाइलेरी को भी शक करके अपने साथ ले जाएगा। क्या होता है, इसमें डे के टाइम में ये कहाँ होते हैं, जो डीप वेसल्स हैं,
डीप ब्लड वेसल्स हैं इसमें ये पड़े रहते हैं। और नाइट में क्या होता है, नाइट में ये कहाँ माइग्रेट करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ये माइग्रेट कहाँ कर जाते हैं, जो पेरीफेरल मसल्स होती हैं, पेरीफेरल जो वेसल्स होती हैं, ये पेरीफेरल वेसल्स में क्या करते हैं, ये माइग्रेट कर जाते हैं आउटर वेसल्स में बॉडी के। अब देखिए, अब समझते हैं यहाँ पे थोड़ा पिक्चर से, देखें पिक्चर समझते हैं। देखिए जितना सब कुछ हमने बताया उसको देखते हैं, चलिए एनिमेशन से। देखिए मॉस्किटो बैठा है एक होस्ट पर, और देखिए यहाँ पे प्रोबोसिस के थ्रू इसने पियर्स किया स्किन को, और जो माइक्रोफाइलेरी हैं उनको, थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरी, उनको वहाँ पे स्किन पे छोड़ दिया। और जो पियर्सिंग जो पंक्चर स्किन होगी उसके थ्रू, ये देखिए माइक्रोफाइलेरी कहाँ पहुँचा रहे हैं, प्राइमरी होस्ट के अंदर। अब देखिए ये माइग्रेट कर रहे हैं अपनी, देखिए फर्स्ट जो शीथ है इसको इन्होंने कवर निकाला, और फिर कहाँ पहुँच गई ये, देखिए ब्लड वेसल्स में, देखिए अभी इंटर करेंगे ये, देखिए ब्लड वेसल्स में देखिए इन्होंने इंटर किया इस माइक्रोफाइलेरी ने। अब देखिए ये थर्ड स्टेज है इसकी। अब देखिए ये माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, ये देखिए फिर इसका एक ग्रो हुआ ये माइक्रोफाइलेरी। अब देखिए यहाँ पे ये माइग्रेट हो रहा कहाँ पे, सीधा जाएगा कहाँ पे, लिम्फ जो वेसल्स हैं हमारी उसमें जाएगा। देखिए लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद ये क्या करेगा, उस लिम्फ वेसल्स और उस लिम्फ नोड को जो उसमें लिम्फ फ्लो हो रहा है उस एरिया को ये ब्लॉक कर देगा। देखिए ये पहुंच रहा है और धीमे धीमे क्या कर देगा, पूरी लिम्फ वेसल्स को ये कर देगा ब्लॉक। देखिए लिम्फ यहाँ पे बह रहा था, ब्लॉकेज होने के बाद ये उसकी जो स्किन होती है उसकी जो वेसल्स की, देखिए हार्ड हो गई है। हार्ड होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो गई यहाँ पे। देखिए ये ब्लॉकेज के बाद, अब देखिए जो ये माइक्रोफाइलेरी वापस कहाँ चले गए, ब्लड स्ट्रीम में कॉपुलेशन के बाद, फिर इसने सक किया और फिर जाके नए, जब देखिए इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, फर्स्ट माइक्रोफाइलेरी, फिर सॉसेज फॉर्म, फिर सेकेंड लार्वा और थर्ड, यही क्या है इन्फेक्टिव स्टेज है। देखिए आपने जो पिक्चर में देखा अभी वो क्या हो रहा था, लास्ट में जब हमने देखा कि थर्ड स्टेज क्या बनता है, थर्ड स्टेज, देखिए अब एक चीज़ और समझते हैं, जब ये पेरिफेरल वेसल्स पाए जाएंगे, मॉस्किटो क्या करेगा, ब्लड ने आपने देखा भी, मॉस्किटो ने ब्लड सक किया और प्रोबोसिस के थ्रू जहाँ पे पियर्स जो वुंड था, जो पियर्सिंग जो पंक्चर स्किन थी वहाँ पे इसने रिलीज कर दिया इस माइक्रोफाइल, थर्ड स्टेज जो था माइक्रोफाइल उसको, माइक्रो जो थर्ड स्टेज जुवेनाइल था उसको वहाँ पे रिलीज़ कर दिया और वो चला गया कहाँ पे, वापस ब्लड वेसल्स में, किसके, प्राइमरी होस्ट के। अब देखिए जब इसने सक किया था माइक्रोफाइलेरी को मॉस्किटो ने, तो वो जाके मॉस्किटो कहाँ जाता है, वो माइक्रोफाइलेरी जाके उसके थोरैसिक वेसल्स में, उसके जो विंग्स मसल्स है उसमें जाके रहता है, वहाँ पे दो बार वो क्या करता है, दो बार मेटामॉर्फोसिस करता है, ग्रो करता है और बनाता है क्या, थर्ड स्टेज जुविनाइल्स यहाँ बनाता है, जो कि क्या है, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज। फिर ये माइग्रेट कहाँ करता है, थर्ड स्टेज जो माइग्रेट करते हैं उसके प्रोबोसिस के पास माइग्रेट करते हैं, जिसके बाद आपने वीडियो में देखा क्या होता है। अब देखिए जब ये एडल्ट चले जाते हैं कहाँ पे, जब ये एडल्ट पहुँच जाते हैं लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड में, उसको ब्लॉक करते हैं, अभी आपने वीडियो में देखा था, ब्लॉक जैसे करते हैं तो वहाँ की जो वेसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, जैसे लेग है, स्क्रोटम है, उसके ब्रेस्ट है, वो वेसल्स फूल जाती हैं और वो पूरा ऑर्गन फूल जाता है वहाँ पे। उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग क्या, उस डिजीज़ को एलिफेंटियसिस और फाइलेरियसिस, क्या बोलते हैं, एलिफेंटियसिस और फाइलेरियसिस। देखिए यहाँ पिक्चर देखिए कैसी कंडीशन होगी उनके पाँव की, जैसे लग रहा है कि हाथी के जैसे पाँव हो गया है। देखिए ये पिक्चर्स, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स है, डिफरेंट टाइप कंडीशन में ये पाया जाता है। इसकी देखिए लाइफ साइकिल भी देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर्स में लगी हुई है लाइफ साइकिल, ये इसकी है लाइफ साइकिल,
जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मॉस्किटो है उसने बाइट किया, जो आपने वीडियो में देखा वही यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में लगा हुआ है। तो आज फिर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एग्ज़ाम के पर्पज़ से, पीजीटी के पर्पज़ से हमने ख़त्म किया क्या हमारा वुकीरेरिया बैंक ऑफ ट्राई। देखिएगा इससे एग्ज़ाम में जो मैंने पढ़ाया उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट इक्वल पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छा सा, देखिए एग्ज़ाम में फंसेगा इससे, दो तीन क्वेश्चन अगर आएंगे इससे तो फंसेंगे ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।